वैसे तो स्टूडेंट लाइफ में सभी चीजें जरूरी हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। तो किससे क्या ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में यह देखेंगे। जैसे पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। जैसे अगर एक बार पढ़ते हैं तो 4 बार रिवीजन करें। और मैथ बनाने से ज्यादा जरूरी है फार्मूला रटना, क्योंकि फार्मूला अगर आपका नहीं रटा हुआ है तो आप मैथ बनाते बनाते रुक जाएंगे, आपकी स्पीड रुक जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ड पावर, और वर्ड पावर में रटने से ज्यादा जरूरी है डिक्शनरी देखना। जैसे ही कोई वर्ड आया, नया वर्ड आया, डिफिकल्ट लग रहा है, मीनिंग नहीं मालूम है, तुरंत डिक्शनरी उठा करके देखा। क्योंकि ये बार बार डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये वर्ड तो मैंने जो 4 बार देखा, ये तो मुझे याद है, यही है। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या जरूरी, ज़्यादा जरूरी है? पढ़ाई शुरू करने से पहले ज़्यादा जरूरी है अपना इवेल्युएशन, मूल्यांकन, समय देख कर कि आज के दिन मैं 50 मैथ कितने समय में बना लेता हूँ, 50 इंग्लिश में कितना टाइम मुझे लगता है, 50 रीजनिंग में मुझे कितना टाइम लगता है, इसको नोट करें, 50 GK में कितना टाइम लगता है। ये चारों सेक्शन कमोबेश हर एग्जाम में आते हैं, तो इनका टाइम नोट करें कि हमें इसमें कितना समय लगता है, और फिर एक हफ्ते बाद देखें कि अब मुझे कितना समय इसमें लग रहा है। धीरे धीरे समझ कर पढ़ने से, देखिए हमें आदत होती है धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ने से। इससे ज़्यादा जरूरी है फास्ट बिना पूरे समझे पढ़ना। इस बात को आप समझेंगे जब आप कंप्लीट कर जाएंगे तब, क्योंकि फास्टनेस बहुत जरूरी है कंपटीशन में। अगर आपसे ज़्यादा मैं फास्ट कर रहा हूँ या कोई दूसरा कर रहा है तो वो पहले पढ़ भी लेगा और पहले बना भी लेगा, लेकिन हमारी आदत नहीं है। आदत बना लीजिए कि फास्ट ही पढ़ना है, चाहे वो पूरा समझ में आए ना आए, आप 4 दिन में आपको मालूम हो जाएगा कि फास्ट में ही मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन 4-5 दिन आपको दिक्कत आएगी नहीं समझ, लेकिन 5वें दिन आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे कि सर मैं पूरा फास्ट में भी समझ जाता हूँ, फास्ट पढ़ के भी। तो आदत डालिए, आदत डालिए, फास्ट पढ़ना है। कोई भी सेक्शन हो, कोई भी मैथ का प्रॉब्लम हो, इंग्लिश का कंप्रिहेंशन हो, कोई भी सेक्शन हो, रीजनिंग हो, पढ़ना फास्ट है, बिल्कुल फास्ट एकदम। तो समझ गए आप, फास्ट धीरे पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है? फास्ट पढ़ना, आदत डालनी है। अच्छा, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है? हिसाब रखना। हिसाब रखना मतलब आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या छूट गया। अगर हम इसका हिसाब रखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या छूट गया, तो फिर मैं कहूँगा कि सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या जरूरी है, पूरे दिन का एक खाका बना लेना कि आज मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या टेस्ट देना है और किस में हमें कितना समय देना है। फिर रात को सोने से पहले उसमें टिक मार कर दें, यह छूट गया। तो दोस्तों, हमने जो जो छोटे काम है उनके लिए एक दिन अलग से रख लीजिए, जिससे कि आप उस छोटे काम को पूरे वीक के छोटे हुए कामों को या बचे हुए कामों को जो आपसे नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसको पूरा कर सके, एक दिन अलग जरूर रख लें। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किससे क्या ज़्यादा जरूरी है। तो इस पर एक और भी वीडियो मैं बनाऊंगा थोड़ा और भी डिटेल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।